Hello dear followers, today we are confronting after the gap of a long break. In this video, we will begin textual content part 5th from Deep Water. This is chapter 3rd from Flamingo or textbook in English for class 12th. तो आइए पिछले सेंटेंस से लिंक बनाते हुए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं. I never went to the pool. मैं उस पुल के पास फिर कभी नहीं गया. I feared water. मैं पानी से डरने लगा था. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. जब भी मुझे वहाँ जाना होता था मैं जाने से बचने लगा था. अ फ्यू ईयर्स लेटर वेन आई केम टू नो द वॉटर्स ऑफ द कास्केड्स. कुछ वर्षों के बाद जब मैं कास्केड्स के पानी को देखने के लिए गया, I wanted to get into them. मैं इन कास्केड्स में उतर जाना चाहता था. यहाँ कास्केड का मीनिंग देखते हैं हम. मैं इसको सर्कल में डाल रहा हूँ. कास्केड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर falling. FALLING. A large amount of water falling. I wanted to get into them. मैं इन कास्केड्स में जाना चाहता था. एंड वेन एवर आई डिड और जब मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टियटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वॉर्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल वुड कम बैक. चाहे मैं टियटन पे पैदल चल रहा था या बम्पिंग रिवर पे या गॉट रॉक्स की गर्म पानी की झील में स्नान कर रहा होता था, द टेरर डर दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल वुड कम बैक. वो डर जिसने मुझे उस पुल में जकड़ में ले लिया था वो फिर से लौटने लगा. इट वुड टेक पजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली. इसने पूरी तरह से मुझे अपने नियंत्रण में ले लिया था. यहाँ देखिए कुछ बातें ग्रामर से रिलेटेड मैं बतलाना चाहूँगा. मैं सर्कल में डाल रहा हूँ विल का पास्ट वुड. यह मॉडल्स में से है. इसके अलावा दूसरा पजेशन. पजेशन का मीनिंग क्या है? पजेशन का मीनिंग देखिए, कंट्रोल ऑफ समथिंग फॉर विच वन डज नॉट नेसेसरली हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी.
कंट्रोल, सिंपल वे में हम इसको कंट्रोल कह सकते हैं। तो इस डर ने मुझे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगे पैरालाइज्ड होने लगी थी। पैरालाइज्ड मीन्स जैसे लकवा लग जाता है। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, ठंडा चिल कर देने वाला डर मेरे दिल पर पकड़ बनाने लगा था। तो यहाँ फिर से विल का पार्ट वुड मॉडल्स में से। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा, दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, ये पंगुता मेरे साथ वर्षों तक चलती गई। ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड साल्मन, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरिगन, फिशिंग फॉर साल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, वेर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वॉटर फॉलोड मी, इट रुइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming। तो नेटर यहाँ पे कहता है कैनोज में, इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमन एक तरह की फिश का नाम है। तो लैंडलॉक्ड सालमन के लिए फिशिंग जो मेन लेक्स पे की जाती थी उसको करने के लिए छोटी छोटी कश्तियों में, कैनोज क्या है, स्मॉल बोट्स, और न्यू हैम्पशायर में बास फिशिंग के लिए और डेस्ट्यूट में ट्राउट फिशिंग के लिए और ओरिगोन में मेटोलियस फिशिंग के लिए और कोलंबिया में सालमोन की फिशिंग के लिए। ये जो अलग अलग वैरायटीज दी हैं, अलग अलग टाइप्स दी हैं, ये मछलियों की टाइप है, और कास्केट्स में बम्पिंग लेक पर। जब कभी मैं गया, वेर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वॉटर फॉलोड मी, पानी का भयभीत करने वाला वो डर मेरा पीछा करता गया। इट रुइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, इसने मछली वाली मेरी ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया था, रुइंड कर दिया था, नष्ट कर दिया था। स्मॉल बोट्स में और बोटिंग करने में और तैराकी करने में जो आनंद आता था, जो खुशी मिलती थी, उससे मुझे इसने वंचित कर दिया था। डिप्राइव, डिप्राइव मीन्स वंचित कर देना। तो मेरी सारी ट्रिप्स इसने नष्ट कर दी थी, रुइंड कर दी थी। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप्स। मैं उस हर एक वे को यूज करने लगा इस डर पे विजय हासिल करने के लिए। जितना मैं जानता था हर रास्ता मैंने अपनाया डर पे काबू पाने का।
बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन पूरी दृढ़ता से इसने मुझे अपनी जकड़ में रख लिया था। मैं इस डर की जकड़ में था। फाइनली आखिरकार अंत में वन अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। मैंने एक इंस्ट्रक्टर लेने का फैसला किया कि मैं सीखने वाला लूँगा, कोई मुझे सिखाएगा और मैं तैराकी करना सीखूँगा। ये डिसाइड मैंने कर लिया, नेटर ऐसा कहता है। आई वेंट टू ओ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक एन आवर ईच डे। मैं एक पुल पे गया और मैंने सप्ताह में 5 दिन तक अभ्यास किया। प्रत्येक दिन मैं 1 घंटा अभ्यास किया करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। जो मेरा गाइड था, मुझे निर्देश देने वाला होता था, वो मेरे इर्द गिर्द एक बेल्ट डाल दिया करता था। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल। बेल्ट से एक रस्सी बंधी होती थी, जो रस्सी पुली में से जाती थी। वो पुली जो ओवरहेड केबल से लगाई जाती थी। तो यहां देखिए पुली का मीनिंग क्या है। टू रेज मतलब उभारने के लिए, रेज करने के लिए यूज करना। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool hour after hour, day after day. वह मुझे रस्सी के अंतिम छोर पे बांध दिया करता था। घंटों बाद, 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा, दिन के बाद दिन, सप्ताह के बाद सप्ताह, ऐसी प्रैक्टिस चलती गई। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज मी। प्रत्येक ट्रिप पर, पुल के अक्रॉस प्रत्येक ट्रिप पे थोड़ा सा डर मुझे अपनी पकड़ में लिया करता था, थोड़ा सा डर मुझे लगा करता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माय लेग्स फ्रोज। हर बार, ईच टाइम इंस्ट्रक्टर रस्सी पे अपनी पकड़ को लेकर रिलैक्स होता था और मैं नीचे जाता था। कुछ पुराना टेरर वापस आने लगा था, मेरी टांगें ठंडी पड़ने लगी थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। यह 3 महीने का समय था इससे पहले मेरा जो तनाव था वो कम होना शुरू होने लगा था। स्लैक मीन टू मेक लेस। तो 3 महीने बीत गए थे, मेरा तनाव, मेरी टेंशन कम होना शुरू हो गई, कम होने लगी थी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। फिर उसने मुझे पानी के नीचे
अपना फेस डाल कर तैरना सिखाया, एक्सहेल किया। एक्सहेल का मीनिंग क्या है? टू एक्सपेल एयर फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों से हवा बाहर निकालना, और इनहेल क्या होता है? टू ड्रॉ एयर इनटू द लंग्स, फेफड़ों में हवा खींचना। एक्सहेल क्या है? निकालना, और इनहेल खींचना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। बीट बाय बीट आई सेट पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सर पानी के नीचे जाता था तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने उस दर्द को, उस पैनिक को, उस डर को जो मुझे जकड़े हुए था, उसे कम करना शुरू कर दिया था। मेरा पैनिक कम होने लगा था। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फॉलोअर्स, हम यहीं इस पार्ट को क्लोज करते हैं। लेट्स मीट इन पार्ट सिक्स्थ वेरी सून। थैंक्स टू ऑल।